तो दोस्तों चाइना में बहुत ही जल्द Mi CC9e लॉन्च होने वाला है और अब इसका एक हैंडसन फोटो और फुल स्पेसिफिकेशन लिस्ट हो चुका है। और दोस्तों कुछ लीक्स और रूमर्स ऐसा है कि ये फोन इंडिया में MIUI 3 करके आने वाला है, क्योंकि अगर दोस्तों इसके स्पेसिफिकेशन शीट को देखें तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन के 700 सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है और उसके साथ ही में यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, रियर साइड में ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिलने वाला है, जिसका प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल के सोनी के IMX586 का होने वाला है। और कुछ दिनों पहले ही मन्नू कुमार जैन ने ये ऑफिशियली कन्फर्म किया है कि आपको 48 मेगापिक्सल के और भी स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों इससे तो यही लगता है कि जो लीक्स और रूमर्स है वो सही है कि ये फोन इंडिया में MIUI 3 करके आने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम पूरी डिटेल्स में बात करते हैं इसी फोन के बारे में और आपको बताते हैं कि क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन और डिस्प्ले से। तो यहाँ पर आपको बैक साइड में एक ग्लास फिनिशिंग देखने को मिलने वाला है जो कि ग्लॉसी ग्रेडिएंट फिनिश के साथ आएगी और उसके साथ ही यहाँ पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है, जिसका प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल के सोनी के IMX586 का होने वाला है और उसके साथ ही में आपको सेकेंडरी 16 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस सेंसर देखने को मिलने वाला है और उसके साथ ही आपको यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलने वाला है। और अगर बात करें इस स्मार्टफोन के फ्रंट साइड की तो यहाँ पर आपको एक 6.39 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलने वाला है जो कि एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आएगी और आपको वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर ही 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है और साथ ही में यहाँ पर आपको एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलने वाला है, जैसा कि रेडमी की K20 में हमें देखने को मिला था। इट्स में भी पॉसिबल कि यहाँ पर आपको 6th जनरेशन का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाए। दोस्तों अगर बात करें इस स्मार्टफोन की प्रोसेसर की तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन के 700 सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है और इट्स में भी पॉसिबल कि यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन के 712 का चिपसेट देखने को मिल जाए, जैसा कि हाल ही में लॉन्च हुआ स्मार्टफोन वीवो Z1 Pro में देखने को मिला था। ये बहुत ही लेटेस्ट चिपसेट है और बहुत ही पावरफुल चिपसेट है। इट्स में भी पॉसिबल कि ये चिपसेट हमें इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है। अगर वही बात करें इस स्मार्टफोन की बैटरी की तो यहाँ पर आपको 4000mAh की एक बैटरी देखने को मिलने वाला है जो कि USB Type-C पोर्ट को सपोर्ट करेगी और साथ ही में इस स्मार्टफोन में आपको 18 वॉट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है और साथ ही में आपको फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन की जो सबसे हाईलाइट फीचर है वो है इसका 3.5mm ऑडियो जैक। जैसा कि आपको पता ही है कि MIUI 2 में 3.5mm ऑडियो जैक को रिमूव कर दिया गया था, बट इस स्मार्टफोन में आपको 3.5mm ऑडियो जैक देखने को मिलने वाला है और साथ ही में इस स्मार्टफोन को एंड्रॉइड पाई के साथ लॉन्च किया जाएगा चाइना के अंदर, जो कि MIUI 10 के साथ आएगी। बट इस स्मार्टफोन को जब इंडिया में लॉन्च किया जाएगा तो ये स्मार्टफोन प्योर स्टॉक एंड्रॉइड के साथ लॉन्च की जाएगी और हो सकता है कि इस स्मार्टफोन को एंड्रॉइड क्यू के साथ इंडिया में लॉन्च किया जाए। अब फाइनली बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग और रिलीज डेट की। तो यहाँ पर इस स्मार्टफोन की जो पेस पीरियड की प्राइसिंग होने वाली है वो रेडमी नोट 7 प्रो से अधिक रहने वाली है और साथ ही में रेडमी K20 से कम रहने वाली है। इस स्मार्टफोन की जो बेस वेरिएंट की प्राइसिंग होगी वो 16,000-17,000 रुपीज के अंडर इंडिया में रहने वाली है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की रिलीज डेट की। तो इस स्मार्टफोन को अगस्त या सितंबर के महीने में इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। इस स्मार्टफोन को अगले महीने चाइना के अंदर लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद ही इस स्मार्टफोन की लॉन्चिंग इवेंट इंडिया में रखी जाएगी। सो दोस्तों क्या आप इस स्मार्टफोन को लेकर बहुत ही एक्साइटेड है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।